हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। आप कौन हो? यूपी के बुलंदशहर में एक ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रहे प्रतिबंधित वन्य जीव मादा हाथी को वन विभाग की टीम ने बरामद किया और दो लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बुलंदशहर की गुलावठी में स्थित वन विभाग की नर्सरी में खड़ा ये है मादा हाथी, जिसे आज इलाके के वन विभाग के SDO गौतम सिंह ने उस समय पकड़ लिया जब इस मादा हाथी को एक ट्रक में लादकर बिजनौर से अलीगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा था। और ये इस वक्त कहाँ है? ये गुलावठी के पास हमारे रेंज अधिकारी आरू सियाना ने पकड़ा है। सूचना मिली थी कि एक कोई लोड करके लिए जा रहा है, उसके कागज पत्र देखे हैं। तो स्टाफ ने सुबह मॉर्निंग में पकड़ा उसको, उसके कागज पत्र मांगे, कागज पत्र जो उसमें ट्रक में जा रहा था, ट्रक को पकड़ के रिटर्न कर लिया गया है। और जो उसमें उसके साथ थे मावत छोड़ के दो लोगों को कस्टडी, पुलिस कस्टडी में दे दिया है, FIR करा दी है, गाड़ी भी पकड़ ली, पुलिस को अभी दे दी है, उसकी जांच जारी है। हमने SDO साहब को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट में जांच अधिकारी ACF से नीचे नहीं होता। जिला वन अधिकारी की माने तो ट्रक चालक मादा हाथी के दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके कारण मादा हाथी को कब्जे में ले दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि वन विभाग मुख्य वन संपदा प्रतिपालक के निर्देश के बाद बरामद मादा हाथी को संरक्षित स्थान पर भेजेगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।